मैं सोनलाल शर्मा, कलाध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, छात्र, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। मैं आज विद्यार्थियों को कैलीग्राफी के बारे में बताने जा रहा हूं। तो कैलीग्राफी राइटिंग के बारे में बताऊंगा। तो आज बच्चों को मैं अल्फाबेट सिखाऊंगा, आज हिंदी के, बाद में और जैसे इंग्लिश, कर्सिव राइटिंग, इसके बारे में बताऊंगा। तो इसके लिए हमें ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। वैसे तो इसके लिए पेन भी मिलते हैं, जिसकी निब कटी होती है वो भी मिलते हैं। बाकी मैं एक आसान तरीका, सबसे आसान तरीका, कलम से, लकड़ी की कलम ली मैंने, लकड़ी की कलम बनाई है। जैसे पहले हम लोग तख्ती पे लिखा करते थे, अब वो तख्ती का समय चला गया है, तो मैंने ये कलम बनाई है और इस कलम से आज मैं राइटिंग करना बताऊंगा। उसके बाद ब्रश के साथ भी बताऊंगा कि ब्रश से कैसे कैलीग्राफी या राइटिंग की जाती है। तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। पहले मैंने ये दो लाइनें लगा दी हैं, ये देखिए, ये मैंने लाइनें लगा दी हैं पहले ही, ये देखिए, जिसमें मैंने राइटिंग करनी है, ये स्पेस है, ये राइटिंग, ये मैंने लाइनें लगाई हैं। तो अब देखेंगे आप कि मैं इसको लिखने जा रहा हूं। ये देखिए, ये ई बन गया। ध्यानपूर्वक देखेंगे मैं कैसे कलम रख रहा हूं, कैसे उठा रहा हूं। ये देखिए, का लिखा मैंने अभी, और ये खा, सा, और ये देखिए सा बन गया है। अब खा भी देखिए, खा, खा,
ध्यानपूर्वक देखते रहें कैसे मैं कलम उठा रहा हूं और कैसे मैं रख रहा हूं। ये देखिए ख ये देखिए ह हा के बाद घ जो मैंने लाइन लगाई है इस लाइन से नीचे नहीं जाना है, ये घ देखिए ये द द कुछ अक्सर इसमें थोड़े मुश्किल भी होंगे लिखने के लिए, जैसे झा देखिए झा झंडे वाला झा ये देखिए ये छ और इसी में प पा से ही हम फा भी बना सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि मैं पा कैसे बना रहा हूं। ये देखिए इसके बहुत से तरीके हैं, वो मैं तरीके आपको बताऊंगा। ये देखिए ये आपका पा बन गया, पा को से ही हम फा भी बना देंगे। ये देखिए ये फा बन गया। अब इसके बाद कोई भी अक्षर जैसे त्र कुछ अक्षर आपको टफ लगेंगे, लेकिन टफ नहीं है, ये थोड़ा प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे उतने जल्दी आप सीखेंगे। ये त्र इसके बाद देखिए ग्य ग्या ज्ञानी वाला ग्या ये देखिए ये देखिए इसके बाद यहां से हम इसको उठाएंगे और ये घुमा देंगे इसको, ये जा भी बन गया। जा के बाद ये देखिए ये ग बन गया ग्या। वैसे ही या ये देखिए या या अब चा ये देखिए च। मैं आपको ये कलम बनाने का तरीका भी समझाऊंगा, तो इसको भी आप ध्यानपूर्वक देखें ताकि आप इस कलम को, सस्ता काम है, महंगा नहीं है, महंगा खरीदने के लिए तो दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद श्र श्री वाला श्र अब देखें आप श्रा देखिए श्रा
ये देखिए यहाँ से उठाऊंगा मैं इसको और ये ले जाऊंगा, फिर यहां से ये देखिए ये श्री भी बन जाएगा। ये देखिए इसको ये मात्रा, मैं मात्रा भी आपको सिखाऊंगा। अब इसमें देखिए आप को लिखना है, को क को, ये देखिए को की मात्रा कैसे लगेगी, पहले का तो मैंने ऊपर आपको दिखाया कैसे बनता है, ये देखिए ये और ये देखिए इस लाइन को थोड़ा और बढ़ा देंगे। मात्रा आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है, देखिए यहां रखी और ये लिया ओ। अब इसके बाद मैं लिखूंगा यहां हिंदुस्तान की कसम। अब देखिए थोड़ा स्लांटिंग लेंगे तो सुंदर लगेगा, अगर स्लांटिंग लेना है तो स्लांटिंग ही अक्सर चलेंगे सारे। ये देखिए ये आधा ना ये देखिए ई की मात्रा हिंदू द, ये देखिए यहां से मैं ये घुमा दिया इसको, देख रहे हैं आप, और ये हिंदू ये हिंदू, इसको और आगे बढ़ाऊंगा ऊपर, हिंदू स्थान ध्यानपूर्वक देखें, टिक कर देखें, हिंदुस्तान हिंदुस्तान की हिंदुस्तान देखिए ई की मात्रा की हिंदुस्तान की कसम, ये हमने कुछ चार्ट पोस्टर बनाना हो तो उसमें ये सहायक है, आप सुंदर राइटिंग लिख सकते हैं फ्री हैंड राइटिंग लिख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको ग्राफ में भी बताऊंगा, ग्राफ में इंग्लिश कैसे लिखी जाती है, हिंदी का ग्राफ भी बताऊंगा।
तो धीरे धीरे आप इसको देखते रहेंगे और करते रहेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आएगा। जब आप खाली समय में बैठे होते हैं तो आप इस कार्य को कर सकते हैं, आपका मन भी लगा रहेगा और काम भी होता रहेगा। ये देखिए हिंदुस्तान की कसम। तो आज इतना ही, कल मैं आपको थोड़ा और इसमें फेरबदल बताऊंगा। तो ऐसे ही ये राइटिंग की जाती है, इसमें आपकी जो लिखने की जो ताकत है वो भी सुधरेगी और आपका लेखन भी सुधरेगा और वो सुंदर लगेगा। धन्यवाद।